और पिपरी के दरमियान ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया। शेख रशीद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सबको चाबी दी तो काम चला। कराची में बड़ा कब्जा माफिया है, रेलवे की जमीन पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। सिंध हुकूमत कोशिश करेगी तजावुजात खत्म कराए। ट्रेन चलती रही तो जिंदा रहती है, रुक जाए तो लोग चीजें चोरी कर लेते हैं। लोगों ने ट्रेनों में साबुन और तौलिये नहीं छोड़े, वो भी चोरी कर लिए। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग, दो जवान शहीद। तर्जुमान ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाश ज्यारत के करीब फौजी चौकी पर हमला किया। शोहदा में हवलदार मतलूब आलम और सिपाही सुलेमान शौकत शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को फौरी और मौसर जवाब दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की बख्तरबंद गाड़ी में पेशी केस की समाअत। एडिशनल सेक्रेटरी दाखला और SP सिक्योरिटी अदालत में पेश हुए। अदालत का शहबाज शरीफ हमजा को बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत लाहौर के एडमिन जज जवादुल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं, नैब का साया जिस मंसूबे और दफ्तर पर पड़ता है वो तबाह हो जाता है। हुकूमत झूठे मुकदमों से ओपोजिशन को निशाना बनाना चाहती है। हम पर स्पोर्ट सिटी की तामीर का इल्जाम है, मंसूबा तबाह करने का जवाब कौन देगा? मंसूबे का 10% काम रह गया था। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, PDM की छतरी तले इकट्ठे करप्शन के पुजारियों को अवाम और अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। बेजमीरों ने पहले अवाम को लूट खाया, अब अवाम को जाती मुफाद और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कौमी सलामती के इस मामले को हिजब साबिक सियासत की नजर नहीं किया जाएगा। लापरवाही और बेएहतियाती, कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 18 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 7,248 हो गई। मजीद 2,547 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,65,927 हो गए। 3,26,000 सेहत याब। 1,535 अफराद की हालत नाजुक है। और वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, पंजाब के तालीमी इदारों से मुतल्लिक इजलास कल तलब कर लिया। तालीमी इदारे बंद करने हैं या नहीं मुशावरत की जाएगी। पहले ही कोरोना की वजह से तालीम का हर्ज हुआ और बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ। सूबे, जिले और मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। NCOC में तालीमी इदारों से मुतल्लिक तजावीज दी हैं। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV Today।